हाय गाइस, वेलकम टू एनी टाइम पढ़ाई एकेडमी। दिस इज शिरीष कुंभार एंड आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे प्रेशर कैलकुलेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस के साथ में। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। इसे हम देखने से पहले यहाँ देख लेते हैं कि कैसे प्रेशर कैलकुलेशन किया जाए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक कंटेनर लेता हूँ, कंटेनर की हाइट अगर ये एच है तो बॉटम पर प्रेशर क्या लिखा जाएगा? पी नॉट प्लस रो जी एच। क्यों? क्योंकि कंटेनर रुका हुआ है तो नेट बॉडी फोर्स कहाँ है? इस तरफ है। तो नेट बॉडी फोर्स इस तरफ है तो इसका मतलब मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर नीचे जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्रेशर बढ़ने वाला है। कैसे बढ़ेगा? पी नॉट प्लस रो जी एच की वजह से बढ़ेगा। नाउ अगर इस पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर यू कैन सी कि इस पॉइंट के लिए तो प्रेशर कितना है? पी नॉट है। अब ये ट्यूब दे रखा है, इसे हॉरिजॉन्टली लेफ्ट हैंड साइड में एक्सेलरेट करा दिया ए एक्सेलरेशन से। दिस हाइट इज गिवन एज एच एंड दिस लेंथ इज गिवन एज एल। तो हमें फाइंड करना है पॉइंट ए का प्रेशर क्या होगा। ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड को रो यूज कर लेते हैं। तो आई कैन से कि जब हम नीचे की तरफ मूव करेंगे, यानी कि प्रेशर यहाँ पी नॉट लिख के नीचे वाले पॉइंट की तरफ प्रेशर अगर लिखना चाहते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि ग्रेविटेशन में मूव कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टली हम वर्टिकली हम नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब ग्रेविटेशन की वजह से प्रेशर बढ़ना चाहिए। तो इस तरफ मूव करने पर प्रेशर को बढ़ाने का जो काम करेगा वो बॉडी फोर्स कौन सा है वर्टिकल में? वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब इस पॉइंट का प्रेशर अगर लिखें तो वो बन चुका है पी नॉट प्लस रो जी एच। अब इस पॉइंट का लिख दिया। नाउ इस बॉडी को एक्सेलरेट किया हुआ है तो अगर हमें नेट बॉडी फोर्स की बात करनी है तो सूडो फोर्सेस भी देखने पड़ेंगे। इसका मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें यहीं रखना पड़ेगा, यानी कि ट्यूब पर बैठ के हमें इसे देखना पड़ेगा। तो ट्यूब पर खड़ा होकर अगर मैं देखता हूँ तो हर पार्टिकल पर एक फोर्स इस तरफ लगेगा। कौन सा? सूडो फोर्स। हॉरिजॉन्टल में सूडो फोर्स इस तरह से लगा तो मुझे पता है बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ेगा। सो गाइज, इस तरफ जाएं तो बॉडी फोर्स कौन सा होगा? सूडो फोर्स। तो प्रेशर किसकी वजह से बढ़ेगा? एक्सेलरेशन की वजह से, ए की वजह से। इसका मतलब अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव करता हूँ एल, तो इस डायरेक्शन में जो प्रेशर इंक्रीमेंट होना चाहिए वो ए की वजह से होना चाहिए। और वो कितना होगा? वो होगा रो ए, और कितना चला मैं? एल चला। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर प्रेशर होगा P नॉट प्लस रो जी एच प्लस रो ए एल। रिपीट करता हूँ पूरी प्रोसेस। P नॉट यहाँ पर था, हम वर्टिकली नीचे आए तो इस तरफ जो बॉडी फोर्स एक्टिंग था दैट इज ग्रेविटेशन। तो बॉडी फोर्स की वजह से उसी डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं तो प्रेशर बढ़ना चाहिए। कितना बढ़ेगा? यहाँ पर ग्रेविटेशन था दैट इज वाई रो जी एच से यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ। फिर हम क्या चलते हैं? हॉरिजॉन्टली चल रहे हैं तो इस डायरेक्शन में बॉडी फोर्स कौन है? सूडो फोर्स। और सूडो फोर्स में भी यहाँ पर जो काम वर्टिकल में जी कर रहा था वही काम हॉरिजॉन्टल में ए कर रहा है। इसका मतलब वर्टिकल में अगर रो जी एच लिखा तो हॉरिजॉन्टल में रो ए एल लिखना पड़ेगा। और सूडो फोर्स की डायरेक्शन में, यानी कि बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ेगा तो हम राइट की तरफ मूव करते हैं तो प्रेशर इंक्रीमेंट होगा। कितना होगा? रो ए एल हो चुका होगा। तो यहाँ प्रेशर है पी नॉट, यहाँ हो चुका है पी नॉट प्लस रो जी एच, और यहाँ है पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस रो ए एल। ओके, तो आई होप आपको अब समझ में आ चुका होगा कैसे एक्सेलरेटेड बॉडी में प्रेशर लिखना है। और इसी के बेसिस पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्यूब है, ट्यूब की लेंथ यहाँ पर जो लिक्विड की लेंथ है दैट इज एल। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट से लेकर बॉटम वाले पॉइंट तक लेंथ गिवन है एल। एटमोस्फेरिक प्रेशर है पी नॉट, और इसे राइट हैंड साइड में एक्सेलरेट करवा दिया गया है ए एक्सेलरेशन से। तो मुझे देखना है कि पॉइंट ए का एक्सेलरेशन कितना होगा। ओके, तो बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमने अब ये समझ लिया है कि क्वेश्चन क्या है। अब आप इसे खुद से अटेम्प्ट करना शुरू कर दें। आई होप आप सॉल्व कर लिया होगा। अब प्रोसीड करते हैं सॉल्यूशन की ओर। सो गाइस, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर ट्यूब को वापस से डायग्राम बना दिया। तो आई कैन से कि ये एंगल थीटा है तो दिस लेंथ वुड बी एल साइन थीटा एंड दिस लेंथ इज इक्वल टू एल कॉस थीटा। ठीक है, बड़ी लॉजिकल सी बात है, कॉम्पोनेंट ले लिए हैं लेंथ के। नाउ अगर मैं इस पॉइंट से नीचे तक पहुँचता हूँ तो इसका मतलब वर्टिकल में एल साइन थीटा चला हुआ होगा एंड हॉरिजॉन्टल में एल कॉस थीटा चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से वर्टिकल में नीचे आता हूँ तो नीचे आने की वजह से बॉडी फोर्स कौन सा होगा? ग्रेविटेशन फोर्स। तो नीचे आ रहे हैं, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से प्रेशर बढ़ेगा, तो इस पॉइंट का यहाँ पर जो प्रेशर बढ़ना चाहिए वो क्या हो जाएगा? रो जी, और वर्टिकल में कितना नीचे आए? एल साइन थीटा। तो वर्टिकल में हमारे पास इस तरह से प्रेशर बढ़ता हुआ दिखेगा।
तो इस पॉइंट का प्रेशर है पी नॉट, तो इतना नीचे आने की वजह से इतना प्रेशर बढ़ चुका है। नाउ हमने इसे राइट साइड में एक्सेलरेट किया हुआ है, इसका मतलब सूडो फोर्स जो लगेगा वो लेफ्ट हैंड साइड पे लगेगा। तो सूडो फोर्स अगर लेफ्ट हैंड साइड पे लगा तो मैं इस पॉइंट से यहाँ तक पहुँचा, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में मूवमेंट किया और मुझे पता है कि बॉडी फोर्सेस की डायरेक्शन में जाने पर प्रेशर बढ़ेगा। तो मैं जब हॉरिजॉन्टल में मूव करता हूँ तो लेफ्ट साइड में मूव किया तो सूडो फोर्स यानी कि जो बॉडी फोर्स है उस डायरेक्शन में मूव किया हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पर ऐसा चलने की वजह से प्रेशर इंक्रीज होगा। कितना होगा? रो जी की जगह ए लिखा जाएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन ए या सूडो फोर्स ए का काम हो रहा है, और ये कितना है? एल कॉस थीटा। इसका मतलब इस पॉइंट का प्रेशर अगर लिखें तो वो बन चुका है पी नॉट प्लस रो जी एल साइन थीटा प्लस रो ए एल कॉस थीटा, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज कंटेनर। कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, कंटेनर को एक्सेलरेट कर दिया ए से, तो देखा कि कंटेनर की जो सरफेस है इस तरह से बन चुकी है, लिक्विड इस तरह से यहाँ पर हो चुका है। तो सवाल में पूछा गया है कि कंटेनर की सरफेस ने लिक्विड की या हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल थीटा बनाया, तो थीटा की वैल्यू क्या लिखी जाएगी? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ चुका है। दिस इज कंटेनर, कंटेनर में लिक्विड की सरफेस ऐसे एक्सेलरेट करवा दिया तो लिक्विड की सरफेस पीछे इस तरह से बन चुका है, यह एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा है, तो पूछा गया है बताए थीटा क्या होगा। ओके, तो सवाल अब आप समझ चुके हैं, वीडियो को पॉज करें एंड अटेम्प्ट करना शुरू कर दें। ठीक है, आई होप आपने अब सॉल्व कर लिया होगा। अब प्रोसीड करते हैं सॉल्यूशन के साथ में। तो गाइज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक सिलेंडर इस तरह से बना दिया। अब सिलेंडर तो था नहीं, तो कैसे बना दिया? ये एक वर्चुअल सिलेंडर बना देते हैं, इमेजिनरी सरफेस मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इमेजिनरी सरफेस मैंने ड्रॉ कर दिया। तो अब मैं इस सिलेंडर को देखता हूँ, तो ये रहा सिलेंडर। मान लेते हैं दिस हाइट इज एच वन, दिस हाइट इज एच टू। यहाँ पर इसका एरिया ए ले लिया जाए तो प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगेगा दैट इज़ पी टू इंटू एरिया, प्रेशर यहाँ पी टू मान लेते हैं, और यहाँ पी वन, तो पी वन इंटू एरिया का फोर्स लगेगा। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ कि ये जो सिलेंडर है वो कहाँ मूव कर रहा होगा? राइट हैंड साइड में। क्यों? क्योंकि पूरा वेसल एक्सेलरेट किया हुआ है ए से, इसका मतलब इसके अंदर जो हमने सिलेंडर अज्यूम किया वो भी एक्सेलरेशन ए से चल रहा होगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, नेट फोर्स को हम मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो पी टू इंटू ए माइनस पी वन इंटू ए इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मान लेते हैं दिस लेंथ इज एल, इसकी जो लेंथ है वो एल है, तो मास क्या लिखा जाएगा? दैट इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना है? एल इंटू एरिया। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम दैट इज मास, और एक्सेलरेशन कितना है? ए है। ठीक है, तो अगर मेरे पास यहाँ से पी टू और पी वन की वैल्यू आ जाए तो कुछ हो सकता है। तो पी टू की वैल्यू अगर देखें तो इस पॉइंट का प्रेशर कितना होगा? ये तो एटमॉस्फेरिक है, तो पी नॉट होगा। अब पी नॉट से मैं अगर सीधा वर्टिकली आया तो क्या सूडो फोर्सेस का इफेक्ट आएगा क्या प्रेशर में? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकल में तो बॉडी फोर्स कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका मतलब यहाँ जो प्रेशर लिखा जाएगा दैट वुड बी पी नॉट प्लस रो जी एच टू। तो प्रेशर पी टू इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच टू, प्रेशर पी वन इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच वन। तो पी टू और पी वन आ चुका है। ठीक है, पी टू और पी वन यहाँ पर इस तरह से हमने सॉल्व कर दिया। तो गाइज यहाँ पर देखें ए ए और ए कैंसिल आउट कर लेते हैं, और पी टू की वैल्यू अब मैं पुट करता हूँ। तो पी टू की वैल्यू पुट किया तो दैट इज पी नॉट प्लस रो जी एच टू, पी वन की वैल्यू पी नॉट प्लस रो जी एच वन इज इक्वल्स टू दिस मच, कितना है? रो एल ए। तो देखो पी नॉट यहाँ पर, पी नॉट यहाँ पर कैंसिल आउट हो चुका है, ये क्या बन चुका है? रो जी एच टू रो जी एच वन, तो ये बना हुआ है रो जी एच टू माइनस एच वन इज इक्वल टू रो एल ए। ओके, तो इससे कैलकुलेशन को थोड़ा आगे यहाँ बढ़ाते हैं। तो रो लेफ्ट हैंड साइड में, रो राइट हैंड साइड में काट दिया, तो यहाँ से आया एच टू माइनस एच वन, एच टू माइनस एच वन अपॉन एल इज इक्वल्स टू ए बाय जी। एच टू माइनस एच वन, एल को इधर ले गए, जी को नीचे ले गए, तो एच टू माइनस एच वन बाय एल इज इक्वल्स टू ए बाय जी आ चुका है।
अब चाहिए क्या था, थीटा चाहिए था। सो गाइज आई कैन से ये एंगल अगर थीटा है तो इसका मतलब ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होना चाहिए। ये हाइट कितनी है, दैट इज एस टू माइनस एच वन, ये कितना है एल है। तो आई कैन से कि टैन थीटा इज एच टू माइनस एच वन अपॉन एल होगा, और उसकी वैल्यू कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू ए बाई जी। इसका मतलब टैन थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी इज इक्वल टू एच टू माइनस एच वन बाई जी। सो गाइज हमें चाहिए था टैन थीटा की वैल्यू, वो है एच टू माइनस एच वन सॉरी बाई एल, ये एल है, एच टू माइनस एच वन बाई एल, और वो कितना आ चुका है ए बाई जी। तो फाइनली फाइनल आंसर जो बनेगा, टैन थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी और थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ए बाई जी बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ ट्यूब जिसकी हाइट है h, यहाँ पर h हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पर l लेंथ तक लिक्विड भरा हुआ है, यानी कि इस लेंथ के जो लेंथ ऑफ द ट्यूब जो हॉरिजॉन्टल में है, दैट इज l। अब क्या किया कि इसे मैंने घुमा दिया इस तरह से, ओमेगा से घुमा दिया। तो ये तो ओपन है, इस पॉइंट का प्रेशर होगा p नॉट। तो मुझे देखना है कि इस पॉइंट को a कहा गया तो पॉइंट a का प्रेशर क्या होगा। ठीक है, अब आप क्वेश्चन समझ चुके हैं, अब अटेम्प्ट करना आप शुरू कर दें। ठीक है, दिस हाइट इज h, दिस लेंथ इज l, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर कहीं चाहिए होगा तो a यूज़ कर लें। ठीक है, तो जल्दी से अटेम्प्ट करना शुरू करें, पॉइंट a का एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, आई होप आपने अब सॉल्व कर लिया होगा, प्रोसीड करते हैं सॉल्यूशन के साथ में। सो गाइज मुझे पॉइंट a का चाहिए प्रेशर, मैं क्या करता हूँ कि जो नीचे वाला लिक्विड है, ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड का FBD ड्रॉ करते हैं। तो प्रेशर यहाँ से ही लगा होगा, प्रेशर होगा तो फोर्स भी होगा, तो इस साइड में लिखता हूँ कि फोर्स है P2 इनटू एरिया, P2 मतलब इस पॉइंट का प्रेशर जो कि हमें चाहिए, राइट हैंड साइड से लगा P1 इनटू एरिया। ठीक है, तो दिस इज द फोर्सेस ड्यू टू प्रेशर। अब इसके अलावा हॉरिजॉन्टल में कोई और फोर्स है क्या, नहीं है। अब बताएं कि क्या ये रॉड जो बनी है, ये सिलेंडर जो बना है, ये एक्सेलरेट कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है। कहाँ कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन होगा, इनफैक्ट सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा होगा। तो इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अगर देखा जाए तो वो होगा अंदर की तरफ, कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और आर कितना है, एल बाई टू। तो बड़ी सिंपल सी बात है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स कहाँ होना चाहिए, अगर एक्सेलरेशन अंदर है तो नेट फोर्स भी अंदर होना चाहिए। तो पी टू इंटू एरिया माइनस पी वन इंटू एरिया इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू। ठीक है, तो P2 into area माइनस P1 into area, बताएं मास क्या लिखें, ये लिखा जाएगा डेंसिटी into वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना है, L into A ओमेगा स्क्वायर L by 2। ठीक है, तो A A और A कैंसिल आउट हो चुका है, तो P2 माइनस P1 इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर by 2। ठीक है, यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब मुझे चाहिए क्या था, P2 की वैल्यू, है ना, इस पॉइंट का प्रेशर P2 लिखा है ना, तो अगर P1 आ जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो क्या हम P1 निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं, इस पॉइंट का प्रेशर कितना है, P0 है, नीचे आएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, रो जी एच, तो P1 इक्वल्स टू P0 प्लस रो जी एच। तो P1 को अगर यहाँ सब्सिट्यूट किया जाए तो P2 बन चुका है, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। ओके गाइज, तो अगेन हमने क्या किया, ये सिंपली NLM का एप्लीकेशन है, इसमें कुछ नया नहीं है, आप देख सकते हैं, बस फोर्स लिखना हमने किससे लिखा, प्रेशर से लिखा हुआ है, दैट्स इट। उसके बाद में ये सभी कुछ किया हुआ है, दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन NLM। ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सिंपली NLM का ही एप्लीकेशन इस चैप्टर में होने वाला है। अगला सवाल, एक कंटेनर में लिक्विड जो है रोटेट करवा दिया गया ओमेगा से। तो हुआ क्या कि पहले तो इस तरह से कंटेनर था, कंटेनर में लिक्विड की फ्लैट सरफेस थी, अब सेंटर के अबाउट इसको ओमेगा से रोटेट करवा दिया तो इस तरह से कर्व्ड सरफेस दिखने लगी। तो जिस पॉइंट पर ये बॉटम उस पॉइंट है उसको हमने ओरिजिन ले लिया, राइट हैंड साइड को एक्स लिखा, वर्टिकल को वाई लिखा। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक कर्व बना हुआ है, जो सरफेस बनी है उसका एक कर्व बना हुआ है। तो पूछा गया है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व फाउंड बाय लिक्विड इसे ओमेगा से रोटेट करने के बाद में जो कर्व बना, तो बताएं कि इस कर्व की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, तो आप क्वेश्चन आप समझ चुके हैं, अटेम्प्ट करना आप शुरू कर दें। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं। तो गाइज NLM का ही एप्लीकेशन हम देख रहे हैं, तो हम क्या कर लेते हैं कि लेट अस से
मैं यहाँ पर एक सिलेंडर बना लेता हूँ। इसकी लेंथ कितना रखा? एक्स रखा। यहाँ पर ये लिक्विड की हाइट कितना हो गया? वाई हो चुका है। ठीक है, तो ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर का एफवीडी बना लेते हैं। तो सिलेंडर का एफवीडी ऐसा बना। ये पॉइंट तो क्या है? एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो यहाँ प्रेशर क्या होगा? पी नॉट। तो यहाँ से फोर्स लगना चाहिए पी नॉट इंटू एरिया। इस पॉइंट को अगर देखा जाए तो इस पॉइंट का प्रेशर तो है पी नॉट, तो नीचे आते हैं तो प्रेशर बढ़ेगा और ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकल में तो बॉडी फोर्स कौन है? ग्रेविटेशनल। तो इसका मतलब यहाँ पर प्रेशर अगर लिखा जाए तो वो होगा पी नॉट प्लस रो जी वाई। तो यहाँ पर प्रेशर की वजह से फोर्स लगा और वो लिखा जाएगा पी नॉट प्लस रो जी वाई इंटू एरिया। ठीक है, और कोई फोर्स है क्या हॉरिजॉन्टल में? नहीं है। क्या ये बॉडी एक्सेलरेट कर रही है क्या? बिल्कुल कर रही है। कहाँ होगा इसका एक्सेलरेशन? लेफ्ट हैंड साइड में। क्यों? क्योंकि इसका सेंटर जो है, सिलेंडर जो है, वो ऐसे रोटेट कर रहा होगा, तो इसका सेंटर का भी इस तरह से सर्कुलर मोशन रहा होगा। तो इस तरफ इसका एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और कितना है? एल बाई टू, और एल की जगह कितना है? एक्स है, लेंथ एक्स लिया ना हमने। तो ये बन चुका है नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स कहाँ होगा? लेफ्ट में होगा। कितना है? पी नॉट प्लस रो जी वाई इंटू एरिया माइनस राइट साइड में फोर्स जो है पी नॉट इंटू एरिया इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। मास की वैल्यू क्या लिखेंगे? रो, लेंथ है एक्स इंटू एरिया, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, दिस इज मास ओमेगा स्क्वायर एक्स बाय टू। तो यहाँ से ए ए और ए ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो पी नॉट यहां पी नॉट प्लस रो जी वाई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू आ चुका है। एक्स यहां, तो एक्स स्क्वायर हो चुका है। पी नॉट से पी नॉट गया तो आ चुका है रो जी वाई इक्वल्स टू रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय टू। तो रो से भी रो कैंसिल आउट, यहाँ से आ चुका है वाई इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय टू जी। तो वाई और एक्स का रिलेशन कैसा दिख रहा है? क्वाड्रेटिक दिख रहा है। तो ये बेसिकली बना क्या? पैराबोला बना। दिस इज वॉट? पैराबोला। ओके गाइज, तो वाई इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय टू जी, दिस इज द फाइनल आंसर। तो आपने अगर ध्यान दिया हो तो हमने कोशिश करी है कि सभी सवालों को न्यूटन्स लॉ की वजह से सॉल्व किया जाए। ओके, तो जो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने किस अप्रोच के साथ में इन क्वेश्चंस को किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट, इस पॉइंट का प्रेशर, पॉइंट ए का प्रेशर, तो पॉइंट ए के प्रेशर के लिए अगर देखें तो हम यहाँ से यहाँ पहुँचे तो ग्रेविटेशन में चले तो प्रेशर बढ़ेगा अगर वो जी एच, फिर इस तरफ मूव किया तो सूडो फोर्स जो है या बॉडी फोर्स जो है वो है एक्सेलरेशन ए की वजह से। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका जो प्रेशर बढ़ेगा वो बॉडी फोर्स की वजह से बढ़ेगा, और कितना बढ़ेगा? रो ए एल। अगला सवाल, एक ट्यूब है जिसे एक्सेलरेट किया हॉरिजॉन्टल में ए से, ये एंगल है थीटा। ठीक है, दिस एंगल इज थीटा। तो पूछा गया है कि यहाँ पर इस पॉइंट का एक्सेलरेशन, पॉइंट का प्रेशर क्या होगा। तो हमने क्या किया कि लेंथ एल था तो एल के दो कॉम्पोनेंट कर दिए, एल साइन थीटा, एल कॉस थीटा। एल साइन थीटा कहाँ है? वर्टिकल में। इस डायरेक्शन में बॉडी फोर्स कौन है? जी। तो प्रेशर कितना बढ़ेगा? रो जी एल साइन थीटा। और हॉरिजॉन्टल की अगर बात की जाए तो बॉडी फोर्स कौन है? सूडो फोर्स। तो प्रेशर कौन बढ़ाएगा? ए। तो कितना बढ़ेगा? रो ए एल साइन थीटा। तो प्रेशर फाइनली इस पॉइंट का इतना बढ़ना चाहिए। अगला सवाल, यहाँ पर एक कंटेनर था उसे एक्सेलरेट कर दिया गया था ए से तो सरफेस स्लांट हो गई है, इसका क्या हो गया? थीटा इस तरह से बनाए। ठीक है, तो पूछा गया है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा कितना आ चुका था? टेन टेन थीटा इक्वल्स टू ए बाय जी। कैसे बना? हमने यहाँ से एच टू हाइट पर और यहाँ से एच वन हाइट पर एक सिलेंडर इमेजिन कर लिया, और इस सिलेंडर पर अगर देखा जाए तो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस तरह से हमने सॉल्व किया कि व्हाट वुड बी द एंगल थीटा। अब इस सवाल में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, इसको हम अलग से देखते हैं। कंटेनर, कंटेनर को एक्सेलरेट करवा दिया ए से तो सरफेस ऐसा बन चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस पर अगर जी इफेक्टिव देखना चाहता हूँ तो क्या लिखा जाएगा? इसमें
एक पार्टिकल पर mg का फोर्स तो g नीचे और एक सूडो फोर्स a इधर, तो इसका नेट फोर्स जो बना, नेट बॉडी फोर्स बना, वो किसकी वजह से बना? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की वजह से। तो अगर आपको याद हो तो हमने देखा था एकदम बिगिनिंग में कि इसकी फ्री सरफेस परपेंडिकुलर टू नेट बॉडी फोर्स बनना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पर ये नेट बॉडी फोर्स की डायरेक्शन है तो इसके परपेंडिकुलर सरफेस बनेगा। तो यहाँ पर नेट बॉडी फोर्स की डायरेक्शन कुछ ऐसा बन चुका है, इसकी डायरेक्शन किससे डिसाइड हुई? ए और जी से। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये टॉप सरफेस के पैरेलल में यहाँ एक सरफेस मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और इनके बीच का जो गैप था ये मान लेता हूँ कुछ एच था। तो बताएं इस पॉइंट का प्रेशर क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखें, मैं देखना चाहता हूँ इस पॉइंट का प्रेशर, तो क्या मुझे सरफेस का प्रेशर पता है क्या? यहाँ है पी नॉट, यहाँ प्रेशर कितना है? पी नॉट है, और पी नॉट है यहाँ से यहाँ पहुँचे तो किस डायरेक्शन में हम चले हैं? हम चले हैं नेट बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में। तो नेट बॉडी फोर्स में जी इफेक्टिव कितना होगा? इतना होगा। तो यहाँ का प्रेशर अगर लिखा जाए तो मान लेता हूँ दैट प्रेशर इज पी वन, तो पी वन की वैल्यू लिखी जाएगी पी नॉट प्लस रो जी इफेक्टिव, यानी कि ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और इस डायरेक्शन में चले कितना है? एच चले, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूँ ये जो लेंथ है ये h1 है, ठीक है, और यहाँ का जो प्रेशर है उसको मैं p डैश मान लेता हूँ, तो p डैश की वैल्यू बताएं क्या लिखे जाएंगे? p डैश की वैल्यू हम लिखें तो आई कैन से यहाँ प्रेशर कितना है, दैट इज़ p नॉट, और वर्टिकल में चले हैं तो इसको प्रेशर को बढ़ाने का काम कौन करेगा? ग्रेविटेशन। तो p डैश इज इक्वल्स टू p नॉट प्लस रो जी एच वन, ठीक है। अब इसी तरह से मैं क्या करता हूँ कि इसे ये जो गैप है इसको मैं मान लेता हूँ h2, ठीक है, और यहाँ का प्रेशर लिखा जाएगा p डैश, लिख ले p डबल डैश मान लेते हैं, इस पॉइंट का प्रेशर है p डबल डैश। तो बताएं h2 के टर्म्स में p डबल डैश कैसे लिखा जाएगा? तो P डबल डैश वुड बी, हम कहाँ चले हैं? हॉरिजॉन्टल में, तो हॉरिजॉन्टल में G इफेक्टिव कौन काम कर रहा है? A कर रहा है ना। सूडो फोर्स कौन है? बॉडी फोर्स कौन है? सूडो फोर्स है, तो इसका मतलब यहाँ पर A की वजह से प्रेशर बढ़ेगा। तो सूडो फोर्स कहाँ है? इस तरफ है, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ कितना है? पी नॉट है, तो यहाँ पर चलने पर पी नॉट प्लस रो ए एच टू, इसका मतलब मैंने इस पॉइंट का प्रेशर निकाल दिया है। नाउ गाइज, हमने देखा था कि नेट बॉडी फोर्स के परपेंडिकुलर सरफेस जो बनेगी, यानी कि ये जो बना हुआ है, इस सरफेस के हर पॉइंट का प्रेशर क्या होगा? सेम होना चाहिए। इसका मतलब पी डैश इक्वल्स टू पी डबल डैश होगा, शुड बी इक्वल्स टू पी वन, क्यों? क्योंकि इसी लेयर के हर पॉइंट का प्रेशर निकाला ना, तो ये सभी पॉइंट्स का प्रेशर क्या होगा? सेम ही होने वाला है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे कई सारे सवाल बन सकते हैं। ओके गाइज, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।